अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे जी। तो एक और व्लॉग लेके जी मैं आ गई हूँ आपके साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जो है अपना सूट निकाल रही हूँ। सूट रखा हुआ था, कुछ करने को था नहीं, तो मैंने कहा चलो जी सूट ही सिलाई कर लेती हूँ। मैं अपना कटिंग करके रखा हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम से तकरीबन एक हफ्ते से मैंने जो है सूट कटिंग करके रखा हुआ था, लेकिन सीने को मन नहीं था। मैं बहुत कम कपड़े सिलाई करती हूँ, अगर करती हूँ तो बहुत सादा। अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह लगवाने हो तो वो है दर्जन है या फिर सिस्टर है मेरी, अपनी सिस्टर का भी सिला हुआ दिखाऊंगी मैं आपको। वो बड़े डिज़ाइन लगा लगा के कपड़े जो है वो सीती हैं, तो मैं तो जी सिंपल ही सी लेती हूँ। दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरह से सीती हूँ कपड़े। सबसे पहले जो है मैंने जो है शटल निकाल ली है, उसको हम कर लेंगे खाली, इम्पटी कर लेंगे क्योंकि पहले से उसके में धागा था लगा हुआ। तो सादे कपड़े जो है वो मैं ख़ुद सिलाई कर लेती हूँ, अपने हो चाहे बच्चियों के हों। तो आज जो है मैं अपनी कैपरी पे जो है डिज़ाइन लगाने वाली हूँ, पाइंचे पे। तो पहले जो हम शटल जो है सेम कलर के जो धागा है उसको हम शटल भर लेते हैं। अरे पीछे जो देख लें जो मेरी बेटी है मोबाइल लेके कभी किस तरह एंगल बना रही है तो कभी किस तरह से बैठ रही है जी। शटल जो है हमारी भर चुकी है, तो अब धागा जो हम लगा लेते हैं मशीन में नीचे अंदर की तरफ, उसके बाद जो है ऊपर भी हम जो है धागा चढ़ा लेते हैं सुई में। सिलाई बकायदा मैंने कोई सीखी नहीं थी, बस अपनी अम्मी को देख देख के और सिस्टर को देख के। सिस्टर ने थोड़ा बहुत सीखा था लेकिन मैंने तो वो भी नहीं, बस उनको देख के देख के बस थोड़ी बहुत जो मुझे आती है। तो ये कि मैं घर में अगर सादे कपड़े सिलाई करने हो तो वो मैं खुद कर लेती हूँ, तो अगर कोई स्पेशल कोई इवेंट के हों या फिर डिज़ाइन लगवाना हो तो वो फिर दर्जन है या फिर सिस्टर है मेरी, उनसे करवाती हूँ। तो चलें जी आप भी देखें कि आज मैं किस तरह से जो है कपड़े सिलाई करती हूँ। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो हम रिमूव कर लेते हैं, ये क्योंकि हमने ये पाइचे पे लगाना है, तो एक्स्ट्रा वाइट कपड़ा जो है वो उसे हम कर लेंगे रिमूव जी। तो अब ले आते हैं जी अब अपनी कैपरी। अब इसके जो है पाइचे पे इसको जो जोड़ लेंगे हम। पहले जो है इसकी म्यानी पे जो हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ जो है। वैसे इसका सीधा उल्टा कुछ होता नहीं है लेकिन क्योंकि कलर इस तरह का था ना, लेकिन फिर भी चलो एहतियातन जो है मैंने इसको देख लिया कि कहीं उल्टी सिलाई ना कर दूँ। और जब आप ख़ासतौर पर उल्टा कपड़ा सिलाई कर देते हो ना, बाज़ का नज़र नहीं आता, माइनर सा कोई चेंज होता है तो कमीज़ या शलवार का पाइचा या बाजू जोड़ ले तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे तो, उधेड़ते हुए उधेड़ के फिर दोबारा सिलाई करना उफ़। तो एक तो बल्कि मैंने, खैर वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, अपनी सास का एक सूट सिलाई किया तो वो पूरी की पूरी कमीज़ जो है वो चिकन की थी, वो कमीज़ आई थिंक बहुत माइनर सा था, उसके में कोई पता नहीं चल रहा था, तो मैंने पूरी कमीज़ उनकी उल्टी सिलाई कर दी। तो अम्मी ने कही था वो पहन भी ली कमीज़, तो मुझे भी नहीं पता चला। फिर वो एक दिन अम्मी गई हैं किसी नेबर्स के हाँ, तो वो बता रही हूँ कि आपने तो कमीज़ उल्टा पहना हुआ है या उल्टा सिलाई किया हुआ, तो अम्मी फिर मुझे आके कह रही हैं कि आपने उल्टा सिलाई कर दिया। तो मैंने कहा मुझे तो पहले तो नहीं लग रहा था, हालांकि पहले आपने दो तीन दफ़ा पहना, लेकिन आज अगर उसने कहा है तो अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ शायद उल्टा है, उल्टा सिल गया। लेकिन तो फिर ऐसा है कि मैंने तो फिर नहीं उधेड़ा, वो पूरी बाजू गला और फिर किस तरह उधेड़ के दोबारा उसको सिलाई लगाना, मुझे बहुत बहुत मुश्किल लगता है ये। गलती से अगर मेरे से उल्टा सिलाई हो भी जाए ना तो मैं उसे उठा के रख देती हूँ कि बस अब से दोबारा सीऊँगी, दोबारा बैठूँगी तो फिर इसको उधेड़ूँगी फिर सीऊँगी, मुझे बड़ी उलझन होती है जी। ये हम लास्टिक या फिर ज़ारबन जो भी डालना है उसके लिए हम जो छोटी थोड़ी सी जो जगह छोड़ते हैं वो है, फिर उसके बाद हम इसका जो नेफा बना लेंगे। कपड़े अगर सादे सिलाई करने हैं तो कोई इतना मुश्किल है नहीं है, आप दो घंटे में आराम से जो है एक सूट सिलाई कर सकते हैं। तो नेफा भी ये देखें तैयार हो गया है, शलवार जो हम खड़ी कर ली है हमने। तो अब इसके पाइचे पे जो है हमने ये लगानी है पट्टी, ये डिज़ाइन मिला था कमीज़ के साथ ही, तो साइड से मैंने उतारा था ये कपड़ा, तो मैंने कहा चलो इसको पाइचे पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पीछे साथ जो मेरा पड़ा हुआ ये है दुपट्टा, दुपट्टे पे जो है अभी मैंने करवाना है पीको, और अभी शलवार जो है हमारी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी है, बस इसके पाइचे पे ये मैंने लगाना है डिज़ाइन।
तो उसके बाद जो है इसकी हम अंदर की सिलाई लगा देंगे। फिर कैपरी जो है हमारी हो जाएगी रेडी। ये कलर मुझे बड़ा पसंद है, फ्रोजी कलर, लेकिन ये कि ये कलर जो है जितना उसको धोए उतना ही इसका कलर जो है निकलता है पानी से, तो इसलिए बस थोड़ी सी मुश्किल होती है, अदरवाइज कलर बड़ा प्यारा है। ये उल्टा रख के हम इसको पहले पट्टी को सिलाई कर लेंगे, फिर इसको जो है इस तरह से मोड़ के सीधी तरफ, तो इस्त्री की मदद से इसको जो हम बिठा लेंगे स्लाइस की अच्छे से, ऐसे तो उसको चुनट वगैरह आ जाएगी, तो हम इसको इस्त्री की मदद से इसको बिठा लेंगे इसकी जो है सिलाई। जी प्रेस करके ले आई हूँ मैं, और इसके बाद अब इसको लगाते हैं हम सिलाई दोनों पैंचों को। जी एक पैंचा मेरा हो गया कंप्लीट, अब जो है हम दूसरे के भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। एक इस्त्री करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, और मेरी सिस्टर जो है वो कपड़े भी जब काटती हैं तो वो भी प्रेस करके काटती हैं। अब दर्जन है जाहिर सी बात है, वो तो फिर मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, बस सीधा से रखा हो और सिलाई कर लें और पहन लें उसको। लेकिन सिस्टर जो मेरी हैं वो बाकायदा कपड़े को इस्त्री करती हैं और फिर वो जो काटती हैं। अच्छा जी ये देख लीजिए मेरी कैपरी, कोई इतनी ख़ास कोई इतनी बड़ी दर्जन हूँ नहीं मैं। अच्छा जी ये कमीज़ है, कमीज़ का जो है मैंने बेगला बनाया था, तो ये डिज़ाइन देख लें। कमीज़ का जो फ्रंट पे जो है ये कढ़ाई हुई थी, एम्ब्रॉयडरी हुई थी, ये फ्रंट है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।